गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट इसके बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम कोई भी थ्योरी पढ़ने वाले नहीं है। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में बोर्ड में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बट इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हमने लास्ट वाली वीडियो में बात छोड़ दी थी। हमने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि 1 किलोवाट आवर में 3600000 जूल एनर्जी होते हैं, बट मैंने इस चीज का कोई भी प्रूफ आप लोगों को नहीं बताया था। तो पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, किसी चीज में भी अगर किलो होता है, जैसे 1 किलोमीटर, किलोवाट आते तो 1000 आ जाता है, बाद में मीटर ऐसे कैसे रहता है, उसी तरीके से हम यहाँ किलो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बाद में वाट आवर क्या आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, इस वाट को हटाते हैं। हमें बताया कि जो 1 वाट होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, तो हम क्या काम करेंगे, 1000, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा जूल, बात कीजिए क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और इधर हो जाएगा हमारा क्या, आर। अब हमें क्या करना है, इस आर को हटाना है। हमें पता है 1 आवर में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। जब हम इस मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 × 60 हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 3600 सेकंड हो जाता है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 मिनट, टोटल सेकंड कितने, 3600, यानी कि आर को अगर सेकंड में बदलते तो कितना हो जाएगा, 3600, तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड × 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, 3600 की और 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 लाख जूल आ जाएगा। इस 36 लाख जूल को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 × 10^6 जूल, ठीक है स्टूडेंट। जो हमारा ये है 6 है, कैसे आया, 5 तो यहाँ हमारी क्या थी, 0 थी, और 1 पॉइंट इधर ले आया, 3 क्या हो जाएगी, 5 तो ये और 1 पॉइंट के क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगी पावर, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट याद रखना, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, सबसे गुड कंडक्टर क्या होता है, आप लेते रहेंगे, मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, 1 नंबर में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे जो चांदी होता है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। अगर रीजन पूछते हैं तो लिख दोगे कि जो सिल्वर होता है उसका रेजिस्टेंस सबसे लो होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे लो होता है, इसलिए वो क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर। बट महंगा ना इसलिए यूज नहीं करते हैं, तांबा और क्या यूज करते हैं, हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि वो सस्ते भी है, उनका भी रेजिस्टेंस लो ही है, उनका भी रेजिस्टेंस क्या है, लो है, पर चांदी का इनसे भी लो है। और नेक्स्ट पूछता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, एलिमेंट की बात करें, अलॉय में तो हम एक से एक अलॉय बना सकते हैं, हम बात कर रहे हैं प्योर मेटल की, प्योर मेटल का मतलब जो मिक्स ना हो, तो याद रखेंगे टंगस्टन जो होता है, जब जिस बल्ब का फिलामेंट होता है उसका जो होता है रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सबसे हाई रहता है, रेजिस्टेंस सबसे हाई रहता है, वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि ये पूछ लेता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर 4 होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसको बताया था। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ वायर, दूसरा होता है टेम्परेचर ऑफ वायर, तीसरा होता है लेंथ ऑफ वायर, और चौथा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इस चीज को डिस्कस कर दिया था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। बट अगर वो रेजिस्टिविटी की बात करता है, रो की, किसकी बात करता है, रो की, तो रो में हमारा लेंथ और एरिया नहीं आते, रेजिस्टिविटी के बस 2 ही फैक्टर होते हैं, क्या, नेचर और टेम्परेचर। ये बात मैं सेकंड वाली वीडियो में, थर्ड वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन कुछ बच्चों को डाउट आ रहे थे कि सर जो हमारे पैरेलल और सीरीज वाले हैं उनके 1-2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा कराने थे, ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन वहां से देख लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आपको कोई भी इस तरीके से ये डायग्राम दे दिया, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, या आपको 7 दे रखा है, या आपको इधर 6 दे रखा है, या आपको 2 दे रखा है, या आपको 4 दे रखा है,
देखो मैं एक ही डायग्राम में रख करके इसको करता रहूंगा, आपको क्या करना है जब आंसर करोगे तो इसके नीचे एक नया डायग्राम बनाओगे, जो भी मैं चेंज करूंगा उसके लिए एक नया डायग्राम बनाओगे। अगले वाले डायग्राम में आपको क्या चेंज करना है, आपने देखा कि इस दो के और चार के बीच में कोई नहीं है, एक ही वायर में है, तो ये दो और चार क्या हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में दो और चार का टोटल कितना होता है छह, कितना होता है छह, ये कितना हो जाएगा छह। अब तुमने देखा ये छह वाला और ये वाला छह, इनकी सेम पॉइंट क्या है सेम, और जहां पॉइंट सेम होते हैं एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं वो किस में होते हैं पैरेलल में होते हैं, ये अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब छह और छह को ऐड करेंगे तो इनका आधा हो जाएगा, छह और छह का आधा कितना होता है हमारा तीन होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तीन। अब तुमने देखा ये सात और ये तीन है, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, और एक ही तार से जुड़े होने का मतलब है इनका टोटल क्या हो जाएगा सीरीज में, सीरीज में टोटल क्या हो जाएगा सात, तीन कितने होते हैं दस होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या काउंट कर लेंगे इसको, मुंह कहते हैं लेकिन दस करेंगे। अब ये दस और दस हमारे किसमें है सेम पॉइंट से अटैच है, दस और दस का आंसर कितना हो जाएगा आपका पांच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट होती है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके का, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, आपको इस तरीके से उसने छह रेजिस्टेंस लगा के दे दिए, ये भी दो ओम का है, 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 ए है और इधर क्या है आपका बी है, और आपको क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आपने देखा जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें सभी के सभी जितने भी आपके रेजिस्टेंस है वो सभी के सभी रेजिस्टेंस आपके एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मतलब क्या है सीरीज में, एक ही लाइन का मतलब क्या है ये रेजिस्टेंस किसमें है आपके सीरीज में है, तो इन तीनों को जब टोटल करेंगे तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा छह, कितना आ जाएगा छह। उसी तरीके से नीचे वाले का भी टोटल कितना आ जाएगा आपका सिक्स ओम आ जाएगा। ठीक है, और सिक्स ओम और सिक्स ओम आपके कितने होते हैं सिक्स ओम और सिक्स ओम आपके हो जाएंगे थ्री ओम, यानी कि टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा थ्री ओम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो हमारी घर की वायरिंग होती है वो घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल में होती है, यानी कि हमारी जितनी भी डिवाइस हमारे घर में लगी रहती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, वो सीरीज में नहीं होती है, रीजन पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, वो सीरीज में नहीं होती है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके तीन रीजन होते हैं। रीजन तो बहुत है बट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होते हैं तीन रीजन होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन क्या होता है कि अगर सीरीज में आपकी एक डिवाइस खराब हो जाती है, अगर आपकी एक डिवाइस सीरीज में खराब हो जाती है पूरे घर में कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी देखो, ये तीन डिवाइस है जो एक बैटरी से जुड़ी हुई है, अगर मान लो पहली वाली खराब हो गई तो ये उड़ गई, हट गई अपनी जगह से, यानी कि सप्लाई बंद कर देगी, तो जब यहाँ सप्लाई बंद होगी तो क्या इस बैटरी से इस पे करंट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो ये भी काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है कि एक डिवाइस खराब हो जाएगी तो सारी भी डिवाइस खराब हो जाएगी। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया पूरे घर में, ना तो पंखा चल रहा ना फ्रिज चल रहा ना कूलर, नहीं होता ना ऐसा, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके घर की डिवाइस कैसे जुड़ रही है पैरेलल में जुड़ रही है। तो सबसे फर्स्ट रीजन आप ये लिख लोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन डिवाइस इज डिफेक्टेड देन अदर डिवाइस कीप नॉर्मली, कीप वर्क नॉर्मली, कीप वर्क नॉर्मली। ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन लिखोगे आप, सेकंड वाला ऑप्शन क्या लिखोगे, जो हमारी सीरीज वाले होते हैं उनमें क्या होते हैं कि अगर हमने ऐसे, तुमने देखा भी होगा जब हमने डेरिवेशन करा होगा कि अगर हम जब डेरिवेशन किया था सीरीज वाला, तो अगर हम इसे 200 वोल्टेज देते हैं तो ये 200 वोल्टेज में से कुछ तो इसे मिलती है कुछ इसे मिलती है, यानी कि वोल्टेज क्या होती है हमारी बट जाती है। ठीक है, बट हमने जब पैरेलल में देखा तो पैरेलल में क्या होता है दोनों को ही जो 200 आ रही है तो इसको भी 200 मिलेगी और इसको भी कितनी मिलेगी 200 मिलेगी, यानी कि वोल्टेज क्या मिलती है सेम मिलती है। ये चीज मैंने नोट करके भी लिखवाई थी कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम मिलती है। तो सेकंड टॉपिक यही आ जाएगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इन ऑल डिवाइस इज सेम, वोल्टेज क्या होती है सभी डिवाइस में सेम मिलती है, यानी कि अगर 200 वोल्टेज आ रही है तो वो 200 वोल्टेज बल्ब को मिलेगी, पंखा को मिलेगी, कूलर को मिलेगी, एसी को मिलेगी। ठीक है, बट अगर आप इसी चीज को सीरीज में देखते हो तो उसमें वोल्टेज सेम नहीं रहती। और जो थर्ड होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक है चार ओम का, दूसरा भी कितने का चार ओम का, आप इनको जब सीरीज में जोड़ते हो तो इनको टोटल आता है आठ ओम, किसमें सीरीज में लिख दिया एस, पैरेलल में इनका चार चार का आंसर कितना आता है दो ओम, यानी कि पैरेलल में क्या आता है रेजिस्टेंस क्या आता है कम आता है, कम आने का मतलब है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो हीट भी ज्यादा होती है,
जूल्स लॉ में पढ़ रखा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ज्यादा हीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तुम सारे घर के डिवाइसेस को सीरीज में लगा दोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट होगी ज्यादा, हीट ज्यादा होगी तो हमारी वायरिंग फूक जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस बनता है कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या रहेगा कम। आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है इन पैरेलल रेजिस्टेंस इज लेस, या रेजिस्टेंस बिकम लेस, रेजिस्टेंस बिकम लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख लेंगे, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हमारी जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती है उन सभी में हम अलॉय यूज करते हैं, प्योर मेटल अलॉय यूज नहीं करते। क्वेश्चन है व्हाई वी यूज अलॉय, व्हाई वी यूज अलॉय इन हीटिंग डिवाइस रेदर देन प्योर मेटल, रेदर देन प्योर मेटल। दोस्तों इसका क्या होता है कि हम जितनी भी डिवाइस यूज करते हैं उसमें हम, जैसे हीटर वगैरह है, इनमें हम प्योर मेटल यूज नहीं करते, जैसे टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो आपके इसके तीन आंसर ही इसमें लिखने हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट क्या है, एयर से रिएक्शन करता है, इसमें लिख रहे हैं अलॉय डज नॉट रिएक्ट विद एयर। ठीक है, दूसरा जो अलॉय होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्या लिख दोगे, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज हाई, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो हीट भी ज्यादा आएगी ना। तीसरा वो पिघलते नहीं है आसानी से, तो तीसरे में लिख दोगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज हाई। तो तीन पॉइंट लिखेंगे, डज नॉट रिएक्ट विद एयर, रेजिस्टेंस इज हाई, तीसरे में क्या लिख दोगे इसको, तीसरे में लिख दोगे मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है कि एक गांव से या एक शहर से दूसरे गांव या दूसरे शहर में बिजली को ले जाते हैं। तो उस सभी में हम क्या काम करते हैं, या तो कॉपर का वायर यूज करते हैं, या किसका वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये ऐसा आ जाता है कि व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हम एल्यूमिनियम का और कॉपर का वायर यूज क्यों करते हैं, देखो इसका रीजन ये है कि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, और दूसरा क्या होते हैं, वो सस्ते होते हैं। तो आपको दो आंसर लिखने हैं कि एक तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, दूसरा ये क्या होते हैं, ये हमारे सस्ते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पोस्ट लेस रहेगी इनकी, तो अपने आप इसका आंसर लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, रेजिस्टेंस लो रहेगा जिसको इसकी पोस्ट हो क्या रहेगी, लो रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और ये क्या है क्वेश्चन आपका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दीजिएगा कि क्वेश्चन लिख लो, अंशु गेट को लगा दे, क्वेश्चन लिख लो इसमें नेक्स्ट कि आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है, आपके पास क्या है, तीन रेजिस्टेंस है और तीन रेजिस्टेंस छह छह होंगे, तीन रेजिस्टेंस क्या है, छह छह होंगे। क्वेश्चन लिख लो कि ड्रा ए सर्किट डायग्राम, ड्रा ए सर्किट डायग्राम इफ यू हैविंग थ्री रजिस्टर, इफ यू हैविंग थ्री रजिस्टर एच ऑफ सिक्स ओम सच दैट टोटल रिजल्टेंट इज 18 ओम, 2 ओम, 9 ओम या 4 ओम। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि आपको डायग्राम बनाना है। ये मैंने चार क्वेश्चन एक साथ लिखे कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, पहला भी 6 ओम का, दूसरा भी 6 ओम का, तीसरा भी 6 ओम का, इन तीनों को एक साथ कैसे कनेक्ट करेगी, इनका टोटल या तो 18 आ जाएगी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इनको कैसे कनेक्ट करेगी 2 आ जाए, दूसरा क्वेश्चन इनको कैसे कनेक्ट करें 9 आ जाए, तीसरा क्वेश्चन कैसे कनेक्ट करेगी इनका टोटल आंसर क्या जाए 4 आ जाए। तो आपको इसमें पूरी ऑप्शन बता रही, बच्चों इतनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, अरे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो आप क्या काम करोगे, आपने देखा 6, 6 और 6, 18 होंगे कैसे जब सीरीज में रहेंगे, तो आपको सीरीज का डायग्राम बना देना, सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम का मतलब इनको ऐड करके दिखाना है कि कैसे ऐड होंगे। तो ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का ऐड करके दिखा दिया, अगर ऐसा आंसर का था जोड़ दिया आपने इनको, ज्यादा से ज्यादा अगर बैटरी भी दे रखे तो आप बैटरी कनेक्ट कर देना, वरना नहीं दे रखा तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगले में आपको क्या करना है, 6, 6 और 6 तीन रेजिस्टेंस है, कैसे ऐड करेंगे, टोटल कितना आ जाए 2 आ जाए। तो आप क्या काम करोगे, तीनों को कैसे दिखा दोगे आप,
पैरेलल में दिखा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये भी छह का, ये भी छह का, छह का तीन सेम रहते हैं, तो छह बटे तीन करेंगे तो आंसर दो ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अब थर्ड वाले में आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, क्योंकि थर्ड वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बट आपको वहां छह 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 नहीं दिया था, वहां पे आपको चार 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 दिया था, और आपसे कहा था कि किस तरीके से ऐड करें कि टोटल छह हो जाए, टोटल कितना आ जाए, छह हो जाए। आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करोगे, आप ये देखोगे कि तीनों सेम है, और उस तीनों सेम में क्या कर रखा है, इसी के आधे को इसमें ऐड किया, इसी के आधे को इसमें ऐड कर रखा, तो टोटल कितना आ जाएगा, नौ आ रहा, बात क्लियर है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे कि आपको तीन रेजिस्टेंस दे दे सेम, और उसी के आधे को जोड़ के टोटल नौ आ जाए, तो ऐसा डायग्राम कैसे बनाओगे कि नौ कैसे दोगे, तो आप क्या काम करोगे, एक को तो लगाओ सीरीज में, दो को लगाओ पैरेलल, ये नौ है, ये भी नौ है, और ये भी क्या है आपका नौ है, तो आपको बता है मैंने सोल्व करा रखा है ऐसे क्वेश्चन, ये नौ तो नौ ही रहेगा, ये अरे यार ये छह, ये छह, और ये भी क्या है छह है, तो आपको पता है ये तो छह छह ही रहेगा, और ये छह और छह कितने हो जाएंगे आपके तीन हो जाएंगे, छह और तीन कितने होते हैं नौ, आ गया ना आंसर आ गया, बट आपको नीचे की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही आंसर देना है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, तो उसने क्या काम करा था, चार 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 के तीन दे दिए थे, कह रहे थे कि एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसका टोटल छह हो, तो आपको क्या करना था, एक चार का लगा दिया इधर, और दो लगा दिए चार चार के इधर, ठीक है। आपको याद कैसे रहेंगे कि कैसे करना है, चार का आधा इसी में ऐड कर रखा, तो चार का आधा कैसे रहा होगा, आधा तो तब हुआ होगा तो पैरेलल में जुड़े होंगे, तो पहले मैंने कहा था होगा दो, ये चार, चार दो कितना होगा छह, तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला बात करते हैं, लास्ट वाला कैसे आएगा, लास्ट वाले में क्या काम करोगे, दो को तो ऐड कर देना, हमने पहले क्या काम करा था, एक को तो सीरीज में, दो को पैरेलल में जोड़ था, उनके बाद क्या करोगे, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में जोड़ ऐड कर दो, कैसे, अब की बार क्या काम करो, दो को तो कर लो सीरीज में, यानी कि ये छह और ये छह, छह और छह, और दूसरे को क्या कर दो पैरेलल में, ऐसे ही तो ऐड कर सकते हैं कौन, छह, तो आप इसको सोल्व करके देखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अपने आप चार को मान जाएगा, आप इसको अपने आप के होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम नेक्स्ट वाली वीडियो लेके आ रहे हैं जल्दी ही कल, यानी कि ठीक है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं क्या काम करूंगा, एनसीईआरटी के आपको इंस्टेक्स और बैक एक्सरसाइज को सोल्व कराऊंगा, तो शायद हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, बैक एक्सरसाइज को और इंटेक्स को लगा के मैं 40 के और 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो शायद ये तीन वीडियो में कवर हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज रहती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन 40-50% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही रिपीट होते हैं, तो हम कल को एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।